चट मंगनी पट ब्याह वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन चट सियासी तलाक और पट ब्याह वाली सियासी कहावत भी आज बिहार की राजनीति में फिर दोहरा दी गई है। महज 2 घंटों के अंदर बिहार में नई सियासी बयार बहने लगी, यानी कि बनी बनाई सरकार ताश के पत्तों की तरह गिरकर धड़ाम हुई और तुरंत नई बैसाखी के सहारे खड़ी भी हो गई। बिहार के सियासी सुपर संडे में नीतीश कुमार के इस्तीफा देने से पहले राज्य में क्या कुछ हुआ, कितने बजे नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर हलचल शुरू हुई, कब नीतीश कुमार बैठक के लिए निकले, कब वो राजभवन पहुंचे और कब उन्होंने राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंपा और कैसे 2 घंटों के अंदर महागठबंधन सरकार गिर गई, उसे जानने के लिए आज का ये पूरा सियासी घटनाक्रम समझना होगा। मीडिया में आई जानकारी के मुताबिक सुबह 10 के करीब नीतीश कुमार की आवाज पर जेडीयू विधायक दल की बैठक शुरू हुई। बैठक के दौरान 10:15 बजे नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। मीटिंग में मौजूद सभी सदस्यों ने इस पर सहमति जताई। फिर 10:11 पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने जेडीयू अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता भी कह रही है कि देखा है पहली बार ऐसी पलटीमार सरकार। फिर 10:17 पर गिरिराज सिंह ने भी बिहार की सियासत पर बयान दिया। कहा भाजपा मूक दर्शक नहीं बल्कि गंभीरता से घटनाक्रम को देख रही है। उसके बाद 10:29 पर नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए बैठक से निकले। इसी दौरान 10:57 पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने नीतीश पर जुबानी हमला बोला। सियासी सरगर्मी के बीच सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे। फिर 11:06 पर बीजेपी विधायकों की अलग रूम में बैठक हुई जिसमें समर्थन पत्र पर विधायकों के हस्ताक्षर लिए गए। 11:07 पर नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंप दिया। 11:26 पर नीतीश खुद मीडिया के सामने आए और इस्तीफा देने का कारण बताया। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में चुनाव से ठीक पहले बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो गया। माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति का असर आगामी चुनाव में पड़ सकता है, लेकिन कितना और कैसा असर वो तो बाद में ही पता चलेगा जनता जनार्दन के जवाब से।